नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। वैसे तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जेट स्ट्रीम्स के बारे में मुझे आपसे बात करना था, बट मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर मुझे आपको जेट स्ट्रीम समझाना है तो मुझे कुछ चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा ये हॉरिजॉन्टल विंड मूवमेंट क्या होता है, वर्टिकल विंड मूवमेंट क्या होता है। हॉरिजॉन्टल विंड मूवमेंट मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया है, वर्टिकल विंड मूवमेंट मैंने आपको इनडायरेक्टली अपनी वीडियोज में कहीं कहीं बताया है, अलग से सेग्रीगेट करके कहीं नहीं बताया। प्रेशर बेल्ट्स मैं आपको पहले बता चुका हूं, यहां पे प्रेशर बेल्ट्स को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। ये आइसोबार्स क्या होते हैं इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, इनसे रिलेटेड जो भी एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। हो सकता है कि जब प्रेशर बेल्ट्स की बात हो तो जो सब पोलर प्रेशर बेल्ट्स होती है और जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, हो सकता है उसको मैं एक अलग वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन करूं, चूंकि वहां पर हमको पोलर जेट्स की भी बात करनी होगी। तो जितने भी एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स हैं इसके साथ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे कोई नोट्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग में समझा रहा हूं, इसमें कोई नोट्स मत बनाइए। अगर इन टॉपिक्स में कोई नोट बना रहा है ना तो वो अपनी गबर खोद रहा है, एग्जाम्स के मामले में कह रहा हूं, ठीक है ना। तो बस जो समझा रहा हूं वो समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि प्रेशर सिस्टम ऑपरेट कैसे करता है, एयर प्रेशर होता क्या है दोस्तों, आपको यह जानना है। देखिए, एयर के अंदर होता है मास, और अगर एयर के अंदर मास है और एयर कहीं पे एग्जिस्टेंट है तो वो अपने मास के थ्रू उस जगह पे डालेगी प्रेशर। तो एयर की मास की वजह से जब किसी सरफेस के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो उसे आप बोलते हो एयर प्रेशर। तो आप कह सकते हो कि द प्रेशर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस इज डिफाइंड एज अ फोर्स एग्जिस्टेड इन ऑल डायरेक्शंस बाय द वर्चू ऑफ वेट ऑफ ऑल द एयर अबव इट। तो मान लीजिए नीचे जमीन है, जमीन पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे आसपास की जो हवा है वो हर तरफ से प्रेशर मार रही होगी, और ये जो कंबाइंड प्रेशर पड़ रहा होगा इस पॉइंट के ऊपर, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा एयर प्रेशर, ठीक है। ये हो गया आपका एयर प्रेशर। अब हम बात करें, हम एयर प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं। तो एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है बैरोमीटर। ये तो बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है दोस्तों। जो यूनिट्स इस्तेमाल की जाती है उसको एमबी कहा जाता है, कहीं कहीं पे एमबीएस भी लिखा जाता है, इसको आप कह सकते हैं मिलीबार्स। ओके, अब एग्जैक्टली मिलीबार्स की साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है इसकी जरूरत नहीं, अभी हम यहां जनरल अंडरस्टैंडिंग को समझ रहे हैं। और अब देखिए दोस्तों, एयर की खास बात क्या है, और एयर क्या, किसी भी मैटर की खास बात ले लीजिए, अगर आप किसी चीज को गर्म करते हो तो वो फैलती है, अगर आप किसी चीज को ठंडा करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, सबको पता है। तो मान लीजिए दोस्तों, यहां पे एक सरफेस है और इस सरफेस पे ऊपर एयर है, अगर यहां पे ज्यादा गर्मी होगी, ज्यादा सनलाइट पड़ेगी, तो यहां की जो हवा होगी वो गर्म होगी, गर्म होने की वजह से वो फैलेगी, फैलेगी तो वो ऊपर उठेगी, हल्की होगी, क्योंकि जब भी कोई चीज फैलती है उसकी वजह से वो हल्की होती है, हल्की होगी तो हल्का होकर जो हवा होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी, तो नीचे वो एक वैक्यूम छोड़ जाएगी, और इस वजह से नीचे बनेगा क्या, नीचे बनेगा आपका लो प्रेशर दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये पता करना है दोस्तों, देखिए किसी जगह पे अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो आप क्या बोलोगे, वहां पे बन रहा है लो प्रेशर, क्योंकि वहां की हवा मोस्ट प्रोबेबली गर्म होने की वजह से ऊपर चली गई होगी। किसी जगह पे ये बोला जा रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, हाई प्रेशर है, तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पे ठंडी हवा सिंक हुई हो, इसलिए वहां पे हाई प्रेशर बन रहा हो। तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर कैसे बनता है दोस्तों, ये आपको मालूम है। हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट होता है ना विंड का दोस्तों, सॉरी एयर का जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है इसको बोला जाता है विंड। विंड कैसे होती है, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये एक जगह बन रही जहां पे हाई प्रेशर है, ठीक है, ये एक ऐसी जगह बन रही जहां पे लो प्रेशर है, लो प्रेशर पे हवा गर्म होकर ऊपर चली गई, हाई प्रेशर पे हवा ठंडी हवा नीचे सिंक कर गई। अब इस इलाके में हाई प्रेशर है, इस इलाके में लो प्रेशर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो हाई प्रेशर वाली हवा है वो इस वैक्यूम को पूरा करने के लिए इस डायरेक्शन में बहना शुरू होगी, और इस हवा को जो बह रही है उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा विंड। और ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है ना एयर का, इसको हम बोलते हैं विंड। याद देखें, मैंने आपको बताया ना हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बताऊंगा मैं आपको, तो जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है एयर का उसको आप बोलोगे विंड, ठीक है। अब एक तो हो गया हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एयर का, एक हो गया वर्टिकल मूवमेंट एयर का। वर्टिकल मूवमेंट क्या मैंने आपको बताया, अभी बताया दोस्तों। किसी जगह पर बारिश कैसे होती है, आप सिंगापुर में
या इंडोनेशिया में, आप किसी भी एक ऐसी जगह पे जो इक्वेटर के पास है, मान लीजिए वहां पे रहते हैं, वहां पे आप क्या देखोगे, इक्वेटोरियल रीजन में रोज गर्मी पड़ती है, रोज गर्मी के चक्कर में जबरदस्त इवेपोरेशन होता है, आसपास समुद्र हो, और इक्वेटोरियल इलाके में आप देखोगे समुद्र बहुत है, तो वहां पे रोज ये इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन के चलते हवा ऊपर जाती है, ऊपर जाके क्लाउड्स बनते हैं और वो क्लाउड्स बरस जाते हैं। तो देखिए, जब कहीं पे चीज गर्म हुई, गर्म करने के चलते में हवा हल्की हुई, हवा ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये क्या है दोस्तों, दिस इज बेसिकली वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर। तो ये भी एक तरीके का विंड ही है, जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर एक विंड है, तो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर भी एक विंड है। तो जब हॉरिजॉन्टली विंड चलती है तो वो हमको फील होती है, कभी कभी बहुत ज्यादा फील होती है, लेकिन जब वर्टिकली विंड चलती है दोस्तों, तो वो हमको फील क्यों नहीं होती है? कभी आपने इस चीज को सोचने की कोशिश की है? यहां पे आपको इस कॉन्सेप्ट को प्रेशर के साथ जोड़ना पड़ेगा। प्रेशर क्या होता है? शुरुआत में मैंने आपको बताया एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक सरफेस पे चारों तरफ से, जैसे ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे हवा चारों तरफ से धक्का मार रही है, तो वो हो गया प्रेशर इस पॉइंट पे हवा का, आप उसे बोल सकते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दिस पॉइंट ऑफ प्लेस। अब देखिए प्रेशर क्या होगा, ये आपको मालूम पड़ा, प्रेशर क्या हर जगह सेम होता है क्या? जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे प्रेशर घटेगा? बिल्कुल घटेगा दोस्तों। तो अगर आप किसी माउंटेन की चोटी पे पहुंचते हो तो वहां पे प्रेशर बहुत कम होगा कंपेयर टू वो प्रेशर जो कि जमीन पे है, या मान लीजिए सी लेवल पे। जब भी एल्टीट्यूड को मेजर किया जाता है हमेशा सी लेवल से एल्टीट्यूड मेजर किया जाता है, क्योंकि सी लेवल हमेशा अपने लोएस्ट पॉइंट पे होता है, पानी तो हमेशा लोएस्ट जगह पे जाके सेटल होगा, तो सी लेवल आप कह सकते हो लोएस्ट पॉइंट जब भी हम एल्टीट्यूड को मेजर करते हैं लैंड के रिस्पेक्ट में। अब हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो हवा है, किसी एक जगह पे जितनी हवा होगी उस जगह पे उतना ही प्रेशर होगा। तो अगर आप सरफेस के पास हो, लैंड के सरफेस के पास हो, तो यहां पे जो हवा होगी इसका एयर प्रेशर ज्यादा होगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे हवा का जो क्वांटिटी है वो भी कम होती जाएगी, एयर की क्वांटिटी कम होती जाएगी, तो उसका प्रेशर भी कम होता जाएगा। अब जब हवा के प्रेजेंस से प्रेशर बदल रहा है दोस्तों, तो बहुत सारी और चीजों से प्रेशर बदलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक जगह पे कितनी हवा है, ये इस बात को डिसाइड करेगी कि उस जगह पे एयर प्रेशर कितना ज्यादा होगा। तो जितनी ज्यादा डेंस हवा होगी, जितनी ज्यादा एयर की डेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा एयर उस जगह पे होगी उतना ही ज्यादा वहां पे प्रेशर होगा। अब एयर की डेंसिटी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो एयर की डेंसिटी कम है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हवा गर्म होगी, हवा गर्म होगी तो फैल जाएगी तो ऑब्वियसली बात है एयर डेंसिटी कम हो जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा। तो देखिए इक्वेटोरियल इलाकों में क्या होता है, बहुत सारी गर्मी पड़ी, हवा ऊपर चली गई फैल के, लो प्रेशर बन गया, एयर डेंसिटी कम हो गई। समझ गए? एयर डेंसिटी पे एक और चीज का फर्क पड़ता है, और वो चीज होती है आपकी ग्रेविटी। ग्रेविटी का भी फर्क पड़ता है, अर्थ की ग्रेविटी एयर को अपनी तरफ खींचती है। इसीलिए दोस्तों जब हवा नीचे से गर्म हुई, लो प्रेशर नीचे बना और हवा ऊपर की तरफ गई, तो एक प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा है, यहां पर प्रेशर सा ग्रेडियंट बनता नजर आ रहा है, ठीक है। और जब ये प्रेशर ग्रेडियंट बनता नजर आ रहा है, तो दोस्तों ये जो हवा ऊपर की तरफ जा रही है ना, ये ऊपर की तरफ फोर्स मानना चाहिए, तो वर्टिकल विंड मूवमेंट होनी चाहिए, लेकिन वर्टिकल विंड मूवमेंट उतनी फील नहीं होती है हम लोगों को। क्यों नहीं होती है दोस्तों? वो अलग बात है कि हम हवा में है नहीं है, बट फिर भी वर्टिकल विंड मूवमेंट फील इसलिए नहीं होती है क्योंकि इस हवा पे एक उल्टा फोर्स पड़ रहा है, जिसको आप बोलते हो ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एयर मास को अपनी तरफ खींचता है, तो जो वर्टिकल विंड मूवमेंट होता है वो इतना ज्यादा इफेक्ट इसलिए नहीं करता है डेली लाइफ के प्रोसेसेस को, क्योंकि उसी हवा के एयर मास को ग्रेविटी अर्थ की तरफ से खींच रही है। तो ऑब्वियसली बात है वर्टिकल जो विंड मूवमेंट है, वर्टिकल जो ग्रेडियंट फोर्स है, वर्टिकल जो प्रेशर है, ऊपर जो हवा जा रही है जिस प्रेशर से, वो कम क्यों हो जाता है? चूंकि उल्टे डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। तो ये जितनी भी कहानी बताई है दोस्तों, इस कहानी से आपको सार क्या मिला? एक सार अब तक आपको ये समझ में आना चाहिए कि मान लीजिए किसी एक जगह पे अगर प्रेशर को मेजर किया गया और वो लो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा कम आ रहा है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हो सकता है वहां पे मौसम बिगड़ने वाला हो सकता है कि वहां पे बारिश आने वाली हो, या फिर स्टॉर्मी वेदर आने वाला हो, क्लाउडी वेदर आने वाला हो। वहीं पे अगर किसी एक जगह पे प्रेशर बढ़ रहा है, हाई प्रेशर की तरफ पड़ रहा है, तो उस केस में आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हो सकता है वहां पे सेटल्ड वेदर हो। और इनफैक्ट एक हाई प्रेशर सेटल्ड वेदर को डिनोट करता है और एक लो प्रेशर क्लाउडी वेदर को, यानी बारिश होने वाली है या फिर कोई साइक्लोन आने वाला है, इस टाइप की चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखिए दोस्तों,
जब मैंने आपको साइक्लोन समझाए थे, मैंने आपको क्या बताया था, पानी के ऊपर गर्मी होती गई होती गई होती गई, हवा ऊपर जाती गई जाती गई, लो प्रेशर बढ़ता गया बढ़ता गया, उसके चारों तरफ हवा घूमने लगी और वो साइक्लोन में कन्वर्ट हो गया। ये मैंने आपको बताया था निसर्ग साइक्लोन वाली वीडियो में, जहां पे मैंने आपको कोरियोलिस फोर्स भी समझाया था। तो लो प्रेशर में डेंजरस सिचुएशंस आ सकते हैं, डेंजरस मतलब पानी बरस सकता है, क्लाउडी वेदर हो सकता है, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। लेकिन नॉर्मली जहां पे प्रेशर बढ़ रहा होता है, मतलब वहां पे हवा नीचे आ रही है, सबसाइड कर रही है, हवा इज कमिंग डाउनवर्ड्स, और जब हवा इज कमिंग डाउनवर्ड्स तो वहां पे सेटल्ड वेदर होगा, वहां ज्यादा बारिश होती आपको नजर नहीं आओगी, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस लगेंगी, स्टेबल कंडीशंस आपको लगेंगी, ठीक है, सेटल्ड वेदर होगा। तो प्रेशर बढ़ रहा है तो वेदर सेटल्ड होगा, अगर प्रेशर घट रहा है तो हो सकता है बारिश आने वाली हो, ठीक है, या फिर क्लाउडी वेदर आने वाला हो। अब जब बात करी गई प्रेशर को मेजर करने की, तो प्रेशर को मेजर करने के लिए एक चीज लेके आई गई जिसको बोला जाता है आइसोबार्स। अब आइसोबार्स क्या होते हैं, इस तरीके के बहुत सारे फिगर्स आपने देखे होंगे, मैं बताता हूं ये लाइंस क्या डिनोट करती हैं। देखिए ये लाइंस उन जगहों को जोड़ती हैं जहां पे इक्वल प्रेशर है। तो अगर हम ये 1002 एमबीएस वाली लाइन को लेके चले तो ये ऐसे 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 जा रही है, तो जिस जिस जगह से लाइन पास कर रही ना, इसका मतलब ये है कि उस जगह पे जो प्रेशर है वो सेम है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब देखिए आप बोलोगे ये कैसे बता दिया आपने, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि भाई एयर मास की डेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि प्रेशर क्या है, तो हो सकता है कि अगर थोड़ा ऊपर चले गए तो वहां पे प्रेशर वेरी कर जाएगा। तो कभी भी जब आइसोबार्स को प्लॉट किया जाता है ना, तो उस जगह पे उसके सी लेवल पे क्या प्रेशर होता है उसको मापा जाता है। तो प्रेशर पे एल्टीट्यूड एक गलत इफेक्ट ना डाले या फिर एक नेगेटिव इफेक्ट ना डाले, यानी गलत मेजरमेंट ना दे दे, यानी किसी भी स्टेशन पे जब प्रेशर मेजर किया जाता है तो प्रेशर को सी लेवल के कंपैरेटिव या सी लेवल के कंटेक्स्ट में मेजर किया जाता है, समझ रहे हैं ना। तो आप देखिए हो सकता है कि इस रास्ते में जब जो भी ये आइसोबार निकल रहा है, इस रास्ते में कोई हिली इलाका होता हो, बट उस हिली इलाके के हिसाब से प्रेशर नहीं लिया जाएगा। उस हिली इलाके के जगह पे अगर वहां पे सी लेवल होता तो प्रेशर क्या होता, उस हिसाब से प्रेशर को मेजर किया जाएगा। तो जब भी आइसोबार्स प्लॉट होते हैं किसी भी जगह का, जब प्रेशर नोट डाउन किया जाता है वो इस हिसाब से नोट डाउन किया जाता है कि वहां पे अगर सी लेवल होता तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता, ठीक है। अब यहां पे आपको बहुत से आइसोबार्स नजर आ रहे हैं, 1002 एमबीएस, 1001 एमबीएस, 1000 एमबीएस, 999 एमबीएस, 998, 997, 995, यहां 1010। आप देखिए साउथ से जब आप नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे हो तो ये जो एमबीएस है ये घटते जा रहे हैं, इसका भी अपना एक अलग ही रीजन है, रीजन पता करने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे मैं आपको यहां पे चीजें समझाऊंगा। दो प्रेशर बेल्ट्स के बीच, दो आइसोबार्स के बीच में, दो आइसोबार्स के बीच में जितना बड़ा गैप होगा ना उतना कम प्रेशर ग्रेडियंट होगा, दो आइसोबार्स के बीच में जितना कम गैप होगा ना उतना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 1001 आइसोबार यहां से गुजर रहा है और 1002 आइसोबार यहां से गुजर रहा है तो ये जगह ज्यादा प्रेशर पे, ये जगह कम प्रेशर पे, दूर है तो ऑब्वियस बात है इस जगह पे कम प्रेशर है, इस जगह पे ज्यादा प्रेशर है, तो विंड ऐसे मूव करेगी, ठीक है। वहीं पे मान लीजिए 1002 आइसोबार यहां है और 1001 आइसोबार यहां है, तो आप देखिए बीच की डिस्टेंस कितनी कम हो गई, तो यहां पे प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा हो जाएगा, समझ गए दोस्तों। तो अगर जो आइसोबार्स हैं उनके बीच में गैप कम है तो मतलब प्रेशर वेरिएशन जगह के हिसाब से बहुत ज्यादा है। तो जितने पास आइसोबार्स होंगे, जितने क्लोज होंगे वो एक दूसरे से, उतना ही स्ट्रांग प्रेशर ग्रेडियंट होगा, और जितना दूर होंगे आइसोबार एक दूसरे से उतना ही कमजोर प्रेशर ग्रेडियंट होगा। प्रेशर ग्रेडियंट यहां पे क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब जिस फोर्स से हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, एज सिंपल एज दैट, जिस फोर्स से हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी उसको आप बोलोगे प्रेशर ग्रेडियंट। तो आइसोबार्स जितने पास है प्रेशर ग्रेडियंट उतना ज्यादा, आइसोबार जितने दूर है प्रेशर ग्रेडियंट उतना कम। तो ये तो हमने देखा आइसोबार्स को, तो आइसोबार्स को किस हिसाब से प्लॉट किया जाता है ये आपको समझ में आया। बेसिक वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, प्रेशर का मेजरमेंट ये कैसे होता है अब आपको समझ में आया। पूरी दुनिया की बात किया जाए तो किस हिसाब से चीजें होती हैं इसको भी हम लोग समझते हैं। अब इस फिगर को आप देख रहे हो, एक तो आप इस फिगर को देखो, चाहे आप इस फिगर को देखो, चाहे आप इस फिगर को देखो,
आपको देखिए दोस्तों बीच में क्या नजर आ रहा है। सबसे पहले यहां आ जाते हैं, ये बीच में डोल्ड्रम्स दिख रहे हैं, ये जो लाइन है यहां पे, ये है इक्वेटर। इस इक्वेटर के दोनों तरफ कह लीजिए 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ के बीच में, कहीं कहीं जगह पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ के बीच में। तो इसके बीच में पड़ती है क्या आपकी, इसके बीच में पड़ती है आपकी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, जिसको आप इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी बोलते हो। अब आप बोलोगे कि भाई इसको इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पे दो तरीके की विंड्स आके कन्वर्ज कर रही हैं। एक तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स यहां पे आके कन्वर्ज कर रही हैं, एक नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स यहां पे आके कन्वर्ज कर रही हैं। तो दो तरीके की विंड्स इस इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में आके मर्ज कर रही है, जिसको डोल्ड्रम्स भी कहा जाता है। अब आप बोलोगे इनको डोल्ड्रम्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन इलाकों में बहुत काम विंड्स होती हैं, बहुत शांत सा माहौल होता है, बिल्कुल काम विंड्स होती है, लो प्रेशर होता है। तो आप लोग बोलोगे कि सर ये तो दो तरफ से विंड बहती हुई आ रही है, तो जब दो तरफ से विंड बहती हुई आ गई तो काम कैसे हो गया ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इस पे भी मैं धीरे धीरे आता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखा आपने 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ के बीच में आ गया डोल्ड्रम्स, जिसको बोला गया क्या, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, हॉर्स लैटिट्यूड्स की। जब हमने बात की दोस्तों हॉर्स लैटिट्यूड्स की, इन हॉर्स लैटिट्यूड्स को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। आप कह सकते हो कि 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 35 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से लेके 35 डिग्री साउथ के बीच में ये हॉर्स लैटिट्यूड्स आते हैं। ये भी आपका हॉर्स लैटिट्यूड है और ये भी आपका हॉर्स लैटिट्यूड है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स और हॉर्स लैटिट्यूड में क्या कनेक्शन है, ये कनेक्शन भी मैं आपको बताता हूं। यहां से भी देख लीजिए, ये यहां पे आपको हॉर्स लैटिट्यूड नजर आ रहा है, ये रहा हॉर्स लैटिट्यूड, नीचे हॉर्स लैटिट्यूड नजर आ रहा है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन और हॉर्स लैटिट्यूड में कनेक्शन ये है कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में जो हवा ऊपर उठ रही है गर्म होके, वो हवा ऊपर से दो डायरेक्शन में जा रही है और एक जगह पे जाके वो डिसेंड करेगी। तो हवा उठी यहां से इक्वेटर से, दो डायरेक्शन में गई और फिर वो दो जगहों पर जाके डिसेंड करेगी। एक तो नॉर्थ वाले हॉर्स लैटिट्यूड पे जाके डिसेंड करेगी, एक साउथ वाले हॉर्स लैटिट्यूड पे जाके डिसेंड करेगी। तो यहां पे आपको एक सेल बनती नजर आई और उस सेल का नाम क्या है, उस सेल का नाम है हेडली सेल, ठीक है दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब ये सेल कैसे बनी ये भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा अभी आप रुके। फिर यहां पर आपको हॉर्स लैटिट्यूड के ऊपर क्या दिख रहा है, यह दिख रहा है आपको यहां पर पोलर फ्रंट, यहां पर भी आप देख सकते हैं इस जगह पे पड़ता है ये पोलर फ्रंट, इधर भी नजर आ रहा है आपको ये पोलर फ्रंट। हॉर्स लैटिट्यूड्स तो आपने देख ही लिए हैं। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है दोस्तों, ये कहां से कहां के बीच में आएगी, तो आप कह सकते हो कि 45 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री साउथ से लेके 66.5 डिग्री साउथ के बीच में कहीं पे ये जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है ये आपको नजर आएगी, ठीक है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अब उसके बाद कौन सी बेल्ट नजर आएगी, एक चीज ये नजर आएगी, फिर बिल्कुल पोल पे पहुंच जाइए दोस्तों। जब आप पोल पे पहुंचोगे ना, तो पोल पे कहां से लेके कहां तक में 80 डिग्री नॉर्थ से लेके 90 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री साउथ से लेके 90 डिग्री साउथ के बीच में आपको क्या नजर आएगी, वहां पर आपको नजर आएंगी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट समवेयर हेयर, ठीक है, यहां पे नजर आएगी, या फिर कह लीजिए समवेयर हेयर ऑलमोस्ट आपका पोल्स पे। तो भैया 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ या 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ के बीच में इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन नजर आया, 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 35 डिग्री नॉर्थ या साउथ आपको हॉर्स लैटिट्यूड नजर आए, फिर आपको भैया 45 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ या साउथ में आपको क्या नजर आया, आपको नजर आया सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और फिर फाइनली 80 डिग्री नॉर्थ से लेके 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ के बीच में आपको नजर आएगी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट कहीं यहां बनती नजर आ रही है, कहीं इस जगह पे, ठीक है। ये 60 डिग्री साउथ के अराउंड पे क्या बनती नजर आ रही है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो यहां पर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन यहां बन रहा है
और यहां पे क्या बन रही थी, यहां पे आपके हॉर्स लैटिट्यूड्स बन रहे थे। तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, डोल्ड्रम्स, हॉर्स लैटिट्यूड्स, तो आप ये कह सकते हो कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन को आप इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बोल सकते हो, हॉर्स लैटिट्यूड्स को आप क्या बोल सकते हो, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, 60 डिग्री साउथ के अराउंड यानी 45 डिग्री नॉर्थ से लेके 66 डिग्री साउथ में या नॉर्थ में जो बन रही है उसको आप क्या बोल सकते हो, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और बिल्कुल 80 डिग्री से नॉर्थ डिग्री में आ जाइए तो वहां पे क्या बोला जाएगा, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अब यहां पे आपको समझना है कि भैया ये जो इतनी सारी बेल्टें बन रही हैं ये बन क्यों रही है। सिंपल समझिए दोस्तों, ये जो इलाका है ना आपका इक्वेटर वाला, इस इक्वेटर के इलाके में गर्मी बहुत पड़ती है, जब यहां गर्मी बहुत पड़ती है तो हवा गर्म होगी, हवा गर्म करेगी ऊपर उठेगी तो यहां पे बन जाएगी लो प्रेशर बेल्ट। और ये जो इक्वेटर वाले इलाके हैं जहां पे आपकी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट बन रही है, यहां सर्दी बहुत पड़ती है, तो जब ठंडी है तो ऑब्वियस सी बात है एयर सबसाइड करेगी, यहां पे क्या बनेगी, हाई प्रेशर बेल्ट। तो दो प्रेशर बेल्ट, एक तो आपकी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और एक पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ये दोनों तो बनी टेम्परेचर की वजह से, ये बनी थर्मल फैक्टर्स की वजह से। और इनके अलावा जो दो बेल्टे बनती नजर आ रही हैं, एक आपको हॉर्स लैटिट्यूड्स नजर आ रहे हैं और एक आपको सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बनती नजर आ रही है, ये डायनेमिक फैक्टर्स की वजह से बनेगी। तो डायनेमिक फैक्टर्स क्या होंगे, तो भैया इक्वेटर से हवा उठी और इक्वेटर से उठने के बाद वो हवा हॉर्स लैटिट्यूड्स पे जाके सबसाइड करी, तो जब हॉर्स लैटिट्यूड पे जाके सबसाइड करी वहां हवा सबसाइड कर रही है, वहां हाई प्रेशर बन रहा है, तो भैया काम एयर है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस बन रही है, तो हॉर्स लैटिट्यूड बन गया। कुछ कुछ ऐसा ही चीज बनता है आपका कहां पे, जहां पे फेरल सेल के बीच का ये जो फेरल सेल और पोलर सेल के बीच का ये जो मीटिंग पॉइंट है ना, इस जगह पे बनती है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और हॉर्स लैटिट्यूड जिसको आप बोलते हो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये दोनों डायनेमिक फैक्टर से बनती है, और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये दोनों टेम्परेचर इफेक्ट्स की वजह से बनती है। और ये दोनों तो टेम्परेचर के इफेक्ट से बन गई, बाकी दो डायनेमिक इफेक्ट से बन गई, और उन इफेक्ट के चलते तीन चीजें चलेंगी, पोलर सेल चलेगी, फेरल सेल चलेगी, हेडली सेल चलेगी। अभी के लिए मैंने आपको जितना बताया उसको अपने दिमाग में सीप इन करने की कोशिश कीजिए, इतना ही समझना मुश्किल है, आगे मैं इस लेक्चर को कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये बहुत जरूरी टॉपिक है ज्योग्राफी में। हैव अ ग्रेट डे, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।